हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिलाई मशीनें पाकर महिला हस्तशिल्पियों के खिले चेहरे। सनावड़ा में आयोजित हुआ टूल किट वितरण कार्यक्रम। 200 महिला दस्तकारों को मिली निशुल्क सिलाई मशीनें। बाड़मेर, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा महिला दस्तकारों का अपने हुनर के जरिए आगे बढ़ने का सपना साकार हो सके। महिला हस्तशिल्पी अपने हाथों तैयार उत्पादों को मार्केट में उतारने का जज्बा कायम करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपनी सहभागिता निभाए। उक्त विचार सोमवार को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर, विकास आयुक्त हस्तशिल्प एवं ईपीसीएच के संयुक्त तत्वावधान में संचालित मेगा क्लस्टर योजना के तहत रावप्रावी नवातला के परिसर में सोड़ियार, जाकड़ों की दाणी व स्थानीय ग्राम पंचायत सनावड़ा क्षेत्र की महिला दस्तकारों को टूल किट वितरण के दौरान व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज के समय में हमें हमारी इस पारंपरिक अमूल्य धरोहर समृद्ध परंपरा को आगे ले जाने की महती आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी कलाकारों को रूमा देवी की तरह आगे आना होगा। आप सभी आर्टिजनों को कोई रोल मॉडल ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बीच नारी सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी रूमा देवी खुद एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित है। उन्होंने कहा कि रूमा देवी ने जब मेरे से नई दिल्ली में मुलाकात कर आप सभी के बीच दीपावली पर्व से पहले उपस्थित होने का न्योता दिया, जिसे आज मैंने आपसे व्यक्तिगत रूबरू होकर अपने वादे को निभाने की कोशिश की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हस्तशिल्प विकास आयुक्त शांत मनु ने महिला आर्टिजनों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरहदी इलाके बाड़मेर जिले के कलाकारों द्वारा तैयार विभिन्न प्रकारों की कलाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को आपके बीच पहुंच देखने का सौभाग्य मिला। साथ ही आज आप सभी नारी शक्ति से रूबरू होने का भी अवसर मिल पाया। उन्होंने कहा कि आप सभी में विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्रामों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेहतरीन बदलाव झलक रहा है, जो हम सभी के लिए गौरवान्वित महसूस करने का क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्पी, फैशन डिजाइनर और संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर रूमा देवी ने अपनी दस्तकार बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपको दीपावली से पहले सिलाई मशीनों के रूप में जो उपहार मिला, यह मेरे लिए बेहद खुशी का मौका है। मेरी हमेशा विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्रामों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाकर आपके अंदर छुपे हुनर को तलाशने की कोशिश रहती है। रूमा देवी ने कहा कि आज वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, हस्तशिल्प विकास आयुक्त व एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के सहयोग से आप सभी को 200 सिलाई मशीनों का लाभ सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह के कर कमलों द्वारा प्रदान करवाया। इस दौरान डॉक्टर रूमा देवी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वह आप सभी बहनों के सहयोग की बदौलत ही मिल पाया। उन्होंने बताया कि जिले की कुल 3000 प्रशिक्षण प्राप्त महिला आर्टिजनों को सिलाई मशीनें इसी तरह के अलग अलग चरणों में आगामी कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाएगी। कार्यक्रम समापन के दौरान रूमा देवी फाउंडेशन संयोजक नैन्सी सिंगला ने पधारे हुए अतिथियों गणों, महिला हस्तशिल्पियों और सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में विकास आयुक्त हस्तशिल्प क्षेत्रीय निदेशक विपिन ठाकुर, हस्तशिल्प उद्यमी लेखराज माहेश्वरी, स्थानीय सरपंच गंगा देवी, जाकड़ों की डानी सरपंच चंपा देवी, बांचर डाव सरपंच पूरो देवी सहित अन्य अधिकारी गण, दस्तकार महिलाएं, ग्रामीण जन व संस्थान के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन जसवंत सिंह डूडी व सुरेश कुमार ने किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।